गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम अपना UGT का आज पहला अध्याय अध्याय चार हामी खा शुरू करते हैं। इस अध्याय के द्वारा ये हामी खा की कहानी है। देखिए, कहानी जो है मलयालम भाषा में रचित मूल रूप से मलयालम भाषा के अंदर लिखी गई है, केवल से अनुवादित रूप में हिंदी में इसको देखिए। ये हिंदू मुस्लिम में एकता का संदेश दे रही है ये कहानी। तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने वाली ये कहानी, किस प्रकार से हिंदू मुसलमान के बीच एक मानव हृदय है उसको दर्शाती है। मनुष्य का हृदय हम सभी के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो उसकी ओर ये इशारा करती है कहानी। तो आइए ध्यान से इसे हम समझते हैं, पढ़ते हैं। यह कहानी मूल रूप से मलयालम भाषा में रचित है। इसे हिंदी में अनुदित अर्थात अनुवाद किया गया, परिवर्तित किया गया मलयालम भाषा से इसे इस भाषा में अनुदित अर्थात अनुवाद इस भाषा में इसका किया गया है। प्रस्तुत कहानी हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती है। इस कहानी में लेखक ने बड़ी सादगी से हिंदू और मुसलमान दोनों के भीतर धड़कते हुए मानव हृदय की एकता को उजागर किया है। जो मानव हृदय है, मनुष्य का जो दिल है, उसकी एकता की ओर उसे उजागर किया है। लेखक की धर्मनिरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान, लेखक के धर्मनिरपेक्ष अर्थात उसने धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया है, लेखक की धर्मनिरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला पाकिस्तान निवासी हामिद खां के हृदय को स्पर्श करती है। क्या कर रहा है लेखक ने एक जो व्यक्ति चुना है वह है हामिद खां, उसके हृदय को उन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया। दोनों में परस्पर सौहार्दपूर्ण अर्थात हृदय से बिल्कुल भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ आपने संबंध स्थापित हो जाते हैं। परस्पर मतलब आपस में सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो जाते हैं। यह कहानी मानवीय जीवन मूल्यों को रेखांकित करती है। जो मानव मूल्य है, मानवीय मूल्यों को रेखांकित करती है। चलते हैं, तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी होती है, जहाँ पे मतलब जैसे आग लगने की जो घटना है वो सुनने में आ रही है कोई, क्योंकि इसके लिए आपके अध्याय में दे रखे होंगे इसके अंदर शब्द क्रिया, आग लगाने की क्रिया, आगजनी अर्थात आग लगाने की क्रिया उसको बोला गया आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़कर ही मुझे हामिद खां याद हो आया। तब मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। पाकिस्तान में जो वो थी खबर सुनी आग लगने की, तो जैसे ही क्या बोला हामिद खां याद आ गए लेखक को, क्या कह रहे हैं, मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को आग से बचा लेना, आग न लग जाए। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पुराने खंडर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप थी, दूसरी ओर भूख प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के सामान फैली गलियों से तंग बाजार जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। हस्तरेखा था, हाथ की जो रेखाएं हैं वो हस्तरेखाओं के समान फैली, मतलब हस्तरेखा था जितनी पतली पतली, हाथ की जो लकीरें हैं वो कितनी पतली पतली है, तो इस हस्तरेखाओं के समान ही वो गलियां बनी हुई है पतली पतली, और संपरी गलियों में से निकलना पड़ रहा है, उसमें फैली गंदगियों से भरा तंग बाजार जहां कहीं नजर पड़ी सिर्फ धुआं, मच्छर, गंदगी, यही सब चारों तरफ दिखाई दे रहा था उन तंग गलियों में।
कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। एक लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, कहीं कोई होटल नजर नहीं आया। बाद में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या हो। अचानक एक दुकान, चारों तरफ चक्कर लगा लिया, कहीं कोई होटल नजर नहीं आया। बाद में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई, वहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां मतलब रोटी। चपातियों की सोंधी मतलब महक, सोंधी अच्छी खुशबू होती है। सोंधी महक से मेरे पांव अचानक उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू अपने अनुभव से मैंने जान लिया अपने अनुभव से मैंने जान लिया कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। मतलब मुस्कुराकर आप बात करो तब तो ठीक है, वरना कुछ और भी हो सकता है। अगर प्रदेश में आए हो तो सबसे मुस्कुराकर ही बात करो, तभी आपको कुछ पता चल सकता है, तभी कुछ हो सकता है। मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। जो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र मतलब जैसे जो एक बड़ी जो उम्र है, अधेड़ उम्र उसके बारे में बात कर देंगे। अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास से झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वे अपनी हथेली पर रखे आटे को छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे ताकि उन्हें पता है कि भाई ये प्रदेश है तो यहाँ तो मुस्कुरा लो तो ही ठीक है, वरना कुछ और भी हो सकता है। मुस्कुरा कर वो हाथ पे अपनी हथेली पर चाटे को रखकर मुस्कुरा दिए। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही मतलब उसी प्रकार से जिस प्रकार से देख रहा था ना, उसी प्रकार से बेट तक लगाए मतलब बिना आंखों को हटाए बेपरवाही से, मतलब क्यों अचानक से घूर रहा था उसको, क्यों है ये, क्या है, बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से जब वो देख रहा है तो उसको बोल रहा है बेपरवाही से कि साफ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा, बेतरतीबे से लिपा हुआ था, जो मतलब एक अच्छे ढंग से नहीं है, मतलब ऐसे ही जल्दी जल्दी जिसको कर दिया जाए जिस काम को, बेतरतीबे। इसमें आपका बेबी रखा होगा, जब आप पढ़ोगे ये होगा बेढंगे तरीके से, जो अरेंज ना हो सही तरीके से, मतलब कर देना है काम जल्दी जल्दी, चाहे वो सही हुए ना, बस काम खत्म हो। बेतरतीबी अर्थात बेढंग तरीके से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, धूल से सनी हुई दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक डड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा। एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक डड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट ने उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को भुला रखा था। मतलब वो बड़े मस्त होके गुड़गुड़ाहट कर रहा था हुक्के की, उसको यही नहीं पता कोई आ रहा है जा रहा है, बस वो हुक्का पीने में लगा हुआ है। भाई जान आप कहाँ के रहने वाले हैं, चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस
अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा, अधेड़ उम्र मतलब ज्यादा कोई बड़ी उम्र की बात नहीं हो रही होती है, जो कोई बहुत बड़ा बूढ़ा इंसान नहीं है, अधेड़ मतलब जो लगता है अधेड़ उम्र था, जैसे मतलब मान लीजिए आप 40 करें जो भी उसकी एज है, उसकी एज की बात हो रही है, 35, 40, 45 जो भी अधेड़ उम्र है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उस बड़े व्यक्ति जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उस पठान ने उसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मालाबार के, मैंने जवाब दिया मालाबार। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना, मतलब हिंदुस्तान में ही है या बाहर है, उसने पूछा, किसे पता नहीं था ना तो इसलिए पूछ रहा है। हाँ, भारत के दक्षिणी छोर चेन्नई के आगे ही। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है, उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो तो बढ़िया बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं रख सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। आपकी नजर में हम आदताइयों की औलादे हैं। आदताइयों का अर्थ यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा, इसमें आदताइयों का अर्थ हो गया इसमें मेरा दुष्ट उपद्रवी। देखिए आदताइय था दुष्ट उपद्रवी, जो व्यक्ति बता मेरा दुष्ट हो, जो अच्छे व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उनके बारे में बात करें। आदताइयों की औलादे हैं हम, तो आपकी नजरों में हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी आन के लिए हमें लड़ना पड़ता है, ये हमारी नियति है। उसके आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम, मैंने पूछा, मतलब नाम पूछा लेखक ने, बताते हैं वो, हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वे दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाई जान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। सही बात है, किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम कभी भी किसी से प्यार नहीं मिल सकते। हमें तो वो भी कह रहा है, मजबूर हम प्यार नहीं मोल ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगूठी के आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, पीछे की तरफ मतलब, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा।
झोपड़ा साफ पानी से साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। बड़े चाव से अर्थात बहुत इच्छा से मजे से भर पेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई जान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे देने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खा की ओर बढ़ाया। वह संकुचा रहा था, मतलब शर्मा रहा था, सकुचा रहा था। सकुचा मतलब एक तरीके से अंदर ही अंदर वो संकुच, मतलब लग रहा था कि लू के नाल, उसको संकुचित रहा था, शर्मा रहा था, घबरा रहा था थोड़ा सा। उसने 1 रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाई जान मैंने आपके खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ आप ही के हाथों में रहे। आप जब हिंदुस्तान पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खा को याद करें। तो देखिए वो क्या करते हैं, उससे पैसे देके उसको वापस दे देते हैं ताकि वो पैसे उसे याद रहें। और जब वो जाएं, वो कह रहे हैं जाइए और तक्षशिला में जाकर, वहाँ जब भी आप किसी नहीं जब आप हिंदुस्तान पहुँचें तो एक मुसलमानी होटल में जाकर खाना खाना और याद करना इस तक्षशिला के हामिद खा को। वहां से होटल में तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खा को नहीं देखा, पर हामिद खा की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को 2 पहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बचे रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि वहां जो आग जली की बात सुनी है तब लेखक को याद आया कि वह उस जो घटनाएं वहां घटी हैं उसमें उसकी दुकान ना चल रहे। तो देखिए बेटा, अब इसके ये हैं शब्द भंडार। इस शब्द भंडार में आपको ये शब्द अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो हैं थोड़े से मुश्किल हैं, आपके कठिन शब्दार्थ भी हैं, परंतु ये जो हैं अधिकतर इसमें उर्दू भाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान से समझने हैं और लिखने हैं और इनको याद भी करना है, ठीक है? अभी अगला जब इसके प्रश्न होता है और भी कक्षाओं में करेंगे, अभी आपको केवल इसे पूरा पाठ दोबारा से पढ़ना है अच्छे से। पढ़ने के पश्चात आप आज की डेट में अपने शब्दार्थ करेंगे, मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे इस पूरे पाठ को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए, और इसमें आए हुए जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं और जो उसके मैंने अर्थ बताए हैं उन ध्यान से समझिए, और पूरे अध्याय को समझिए कि कैसे हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक एकता की यह एक कहानी है, और हर व्यक्ति को इसी भाव से इस जीवन में जीना चाहिए ताकि ये जो हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां हैं समाप्त हो जाए। धन्यवाद।